हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवम और टेकी बाबा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेनोर मोबाइल के बारे में, जो कि रिसेंटली ही लिस्टेड हुआ है अमेज़न के ऊपर। तो इस वीडियो में हम इस डिटेल में इस मोबाइल के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसर्च के बाद ये मालूम चला है टेनोर कोई कंपनी नहीं है, ये एक ब्रांड है और कंपनी का नाम है हॉकिंस टेक्नोलॉजी। ये कंपनी का नाम है और ये एस्टैब्लिश हुई थी 2005 के अंदर चाइना में ये एस्टैब्लिश हुई थी 2005 में। और इनके 700 मिलियन कस्टमर्स हैं, 100 सिटीज में ऑपरेट करते हैं ये। इन्होंने 600 पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है और जिसमें से 1100 पेटेंट इनके अप्रूव्ड भी हो गए हैं। ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना है कंपनी का। मैं डिस्क्रिप्शन में इस कंपनी का लिंक दे दूंगा, तो वहां जाके आप कंपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो वो आप जान सकते हैं। बात करते हैं सर्विस सेंटर की, तो मैं लखनऊ में हूँ, मैंने लखनऊ में यहाँ पे चेक किया हुआ है। तो लखनऊ में इनका सर्विस सेंटर है आलमबाग में, थोड़ा दूर है और ये सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ पे सर्विस सेंटर है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके सिटी में इनका सर्विस सेंटर है कि नहीं है, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप वहां जाके अपने सिटी का नाम लिखिएगा, इंटर करिएगा और उसका एड्रेस वहां पे आ जाएगा। और अगर डिटेल आप चेक करना चाहते हैं तो आप जाके वहां पे इसको विजिट भी कर सकते हैं। प्लस इनका एक कस्टमर केयर नंबर भी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां पे भी जाके आप, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ सजेशन है, तो उस नंबर पे आप फोन करके डायरेक्टली कंपनी से पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या है ये मोबाइल, कितने पे आ रहा है, कितने पे ये हमको मिलने वाला है। 5.5 इंच फुल HD स्क्रीन के साथ और इसमें दिया हुआ है गोरिल्ला ग्लास 3 दिया हुआ है। इसका वेट है 150 ग्राम्स और इसमें डुअल 4G सिम स्लॉट्स आते हैं। मींस आप दो 4G सिम आप इसमें यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी मोबाइल्स हैं जिसमें सिर्फ आप सिंगल 4G सिम ही यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, मींस यहाँ पे आप दो सिम प्लस 1 मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हैं। हाइब्रिड सिम स्लॉट इसमें नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पे ये रन करता है नोगट 7.1 के ऊपर और ओरियो का अपडेट मिलने की उम्मीद है इसमें। इसमें बैटरी मिलती है 4000 mAh की बैटरी और चार्जर होगा 5V 2A के साथ। कैमरे की अगर बात करते हैं तो इसमें मिलता है 13 मेगापिक्सल सीमोस का कैमरा, जो कि यूज होता है कैनन के द्वारा। और फ्रंट में है इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा और दोनों में ही LED फ्लैश लाइट दिया हुआ है। इसके साथ मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर आपको और ये आता है गोल्ड और ब्लैक कलर में। और अगर प्राइस की बात करते हैं तो 2GB वाले का प्राइस है 8000 रुपए और 3GB वाले का प्राइस इसमें पड़ रहा है 9000 रुपए। तो अगर प्राइस के हिसाब से इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव प्राइस पे इसको लॉन्च किया गया है और स्पेसिफिकेशन भी बहुत जबरदस्त दिए हुए हैं इसमें। तो ये फोन बिल्कुल लेने को बनता है, ये फोन आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और अगर ये फोन मेरे पास आया तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग जरूर करूंगा और आपको जरूर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक जरूर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ सजेशन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।